हेलो यूजीसी हब टू ऑल मेंबर्स। जो भी यहाँ पर हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट प्लस पेपर वन की प्रिपरेशन करते हैं उन सभी को हेलो। सो फर्स्ट वी स्टार्ट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडे लेसन। सी वी ऑल आर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट। सो जिसमें हमारे अभी जितने भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर आपका भी जो भी आपको लगता है, जो भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है कि ये न्यू टॉपिक आपको समझना है, तो आप वो प्लीज कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएं। सो जो आज मैंने आपके लिए मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। सी मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय इंश्योरर और इंश्योरी का। इंश्योरर कौन होता है? जिसे हम लमसम पेमेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। और इंश्योरी कौन होता है? जिसको जब उसको टाइम होता है, जब उसको जरूरत होती है, हम वो इंश्योरेंस के जो उसको मनी होती है वो उसको एज अ रीइंबर्समेंट हम करते हैं अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। सो बेसिकली कंपनी जो होती है वो पूल करती है क्लाइंट्स के रिस्कों और जिस जिसको जब जरूरत होती है वो उसे इंश्योर करवा सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वी स्टार्ट द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में जनरली बहुत वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर देयर, बट जो मेन पॉलिसीज हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड इज कार इंश्योरेंस, फोर्थ इज टू व्हीलर इंश्योरेंस, फिफ्थ इज ट्रेवल इंश्योरेंस, सिक्स्थ इज होम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, सेवेंथ इज मोबाइल इंश्योरेंस, एट्थ इज साइकिल इंश्योरेंस, एंड नाइन्थ इज ज्वेलरी इंश्योरेंस। सो फर्स्ट इंश्योरेंस, सो लाइफ इंश्योरेंस यू ऑलरेडी नो दैट एज द नेम सजेस्ट से पता लग रहा है कि हम इसमें एक लाइफ को इंश्योरेंस करवाते हैं। वो लाइफ किसी की भी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, अपने फैमिली में भी हम किसी की भी वो वाली जो हम लाइफ की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम उसको कैसे इंश्योर करते हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस जिसमें आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है टर्म प्लान्स। टर्म प्लान्स में है आपका यहाँ पे एंडोमेंट प्लान, उसके बाद मनी बैक प्लान, देन पेंशन प्लान। सो लाइफ इंश्योरेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू सपोर्ट योर फैमिली इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। लाइफ इंश्योरेंस नॉट ओनली इंश्योर द वेलबींग ऑफ योर फैमिली, अब आप ये देखिए, बट ऑल्सो ब्रिंग टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कैसे? जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपका आता है अंडर सेक्शन 80C में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद जो प्रीमियम अगर आप यूज करते हो फॉर टैक्स डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 10% होगा। दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन जो आपके लाइफ इंश्योरेंस का, अगर आपको बेनिफिट चाहिए अपने टैक्स बेनिफिट में, तो यहाँ पे आपको टैक्स ओनली 10% की ही डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के आपको दो फायदे हैं। एक तो आप अपनी लाइफ को इंश्योर करते हो, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एज द नेम सजेस्ट द इंश्योरेंस कवर योर लाइफ। लिटरली इट इंश्योर दैट यू एंड योर फैमिली आर फाइनेंशियली स्टेबल इन द अनफॉर्चुनेट केस ऑफ यू बिकमिंग डिसेबल ड्यू टू अ मिसहैप और वर्स। तो जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे वैसे ही आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ में हम लाइफ को इंश्योर करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ को इंश्योर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे तीन टाइप के ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, सेकेंड इज सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, एंड थर्ड इज इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें क्या क्या कवर होगा वो हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस फॉर एक्सीडेंट्स एंड इलनेसेस, ट्रीटमेंट चार्जेस फॉर क्रिटिकल इलनेसेस, डायग्नोस्टिक्स एंड टेस्ट एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल्स प्रायर टू और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर प्रोसीजर्स, एक्सपेंसेस फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ट्रीटमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा कैसे यहाँ पे ये काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस में हम देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आप इसमें तीन चीजों पे अपनी काम कर सकते हो, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम भरना पड़ेगा और उससे जब भी आपको जरूरत हो आप यहाँ पे कर सकते हो, चाहे वो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हो, ट्रीटमेंट में जितना भी आपका चार्ज हो रहा है वो डायग्नोस्टिक एंड टेस्ट एक्सपेंसेस, प्रायर और पोस्ट आपका हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो इसमें आपका इंक्लूड होगा। नेक्स्ट
होगा. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें आपका कवर क्या नहीं होगा. सी हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू वॉर और रिलेटेड एक्टिविटी वो इसमें कवर नहीं होगा. मेडिकल कंडीशन ड्यू टू अब्यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स ये आपका कवर नहीं होगा. कोई भी मेडिकल कंडीशन जो कि आपका वेटिंग पीरियड में था जब आपने इंश्योरेंस नहीं ली थी तब वो नहीं होगा. डायग्नोस्टिक चार्ज इफ द रिपोर्ट डू नॉट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द कवर डिसीज ये आपका कवर नहीं होगा. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मतलब अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है वो नहीं होगा. जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन 80C अंडर इनकम टैक्स में आ रहा था वैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में. अगर आप अपने लिए ले रहे हो और अगर आप सिटीजन सीनियर सिटीजन हो तब आपको बेनिफिट मिलेगा अप टू 25,000 टू 30,000 का. और अगर आप पेरेंट्स के लिए ले रहे हो जो कि ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ओनली मिलेगा अप टू 50,000 का. ये आपको यहाँ पर याद रखना है. नेक्स्ट इंश्योरेंस इज कार इंश्योरेंस. सी कार इंश्योरेंस इज योर प्रोटेक्टिव नेट फॉर योर व्हीकल अगेंस्ट एनी अनफोर्सिन इवेंट लाइक एक्सीडेंट थेफ्ट फायर अमंग सम. सो कार इंश्योरेंस कवर योर कार ऑल्सो बट बोथ इन केस ऑफ योर ओन डैमेज अगर आपका खुद का डैमेज हुआ है और एज वेल एज अगर किसी थर्ड पार्टी का भी डैमेज हुआ है तो वो भी आपका कार इंश्योरेंस में कवर होगा. अब इसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं. फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंसिव कार इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस. कॉम्प्रीहेंसिव थर्ड पार्टी तो इजिली मीनिंग है कि किसी थर्ड पार्टी का यहाँ पर लॉस हुआ है तो वो भी इसमें कवर होगा. बट कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी में क्या कवर होगा जैसे कि बाय एक्सीडेंट अगर कोई डैमेज हुआ है तो इसमें कवर होगा. थेफ्ट वो भी इसमें कवर होगा. फायर की वजह से अगर कोई डैमेज है वो इसमें कवर होगा. नेचुरल डिजास्टर्स वो भी इसमें कवर होगा. कोई पर्सनल एक्सीडेंट हुआ अगर कोई डेथ हो गया तो वो भी इसमें कवर होगा. अगर किसी थर्ड पार्टी का लॉस हुआ है ठीक है आपकी वजह से तो वो भी इसमें कवर होगा. इंश्योरेंस जैसे सेम आपका कार इंश्योरेंस था वैसे ही आपका टू व्हीलर इंश्योरेंस है. कोई चेंज नहीं है. अब इसमें भी जैसे उसमें आपका कॉम्प्रीहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस था सेम ऐसे यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सेम वैसे ही है. अब इसमें क्या क्या कवर होगा जैसे कि आपका एक्सीडेंट की वजह से हो थेफ्ट की वजह से हो फायर की वजह से हो या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो पर्सनल कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से थर्ड पार्टी का लॉस हो गया आपकी वजह से तो वो भी इसमें कवर होगा. इंश्योरेंस तो ट्रैवल इंश्योरेंस में जैसे हम किसी आप किसी इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाना चाहते हो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू आपके लिए बट कुछ हो गया फॉर एग्जाम्पल आपका इलनेस हो गई या फिर लॉस्ट पासपोर्ट तो ये चीज जो है ये इसमें कवर नहीं होंगे. तो क्या क्या कवर होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट हो गया ठीक है आप बिफोर यू गोइंग एनी इंश्योरेंस एनी ट्रैवल कोई भी आप इंटरनेशनल वेकेशन पे जाने से पहले कुछ ऐसा हो गया तो वो इसमें कवर होगा. कोई पर्सनल एक्सीडेंट हुआ है बिफोर यू गोइंग एनी इंटरनेशनल वेकेशन तो आपका इसमें कवर होगा. डेली कैश अलाउंस एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर होगा. एमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट दिस इज ऑल्सो कवर इन ट्रेवल इंश्योरेंस. ट्रिप कैंसिलेशन हुआ है वो भी इसमें कवर होगा. कॉमन कैरियर डिले वो भी और डिले ऑफ चेक इन बैग ये भी आपका सब इसमें कवर होगा इन ट्रेवल इंश्योरेंस. दिस इज द न्यू टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो अभी आपका इसमें. नेक्स्ट इज होम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस. सो होम प्रोटेक्शन नाम से पता लग रहा है कि आप अपने होम की प्रोटेक्शन करते हो. सो होम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस इन योर एब्सेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस. सो इसमें क्या क्या कवर होगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ आपका घर ही नहीं बट जैसे आपके घर में कोई एक्सपेंसिव स्टफ है लाइक टीवी हो गया गैजेट्स हो गए फर्नीचर है तो ये सारा इसमें कवर होगा ठीक है. जो भी आपका इनसाइड योर होम है वो सारा इसमें कवर होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद सेकंड आता है अगर आपके कोई ज्वेलरी है तो वो इसमें कवर होगी बट ओनली 20% तक ही इसमें कवर होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली 20% ही इसमें कवर होगा जितना भी आपका लॉस हुआ है रिलेटेड टू ज्वेलरी. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कोई फायर की वजह से अगर आपके लॉस हुआ है तो वो इसमें कवर होगा. उसके बाद नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई भी लॉस हुआ है वो आपका इसमें कवर होगा. मोबाइल इंश्योरेंस. सो बेसिकली मोबाइल इंश्योरेंस आजकल ये ट्रेंड में भी है कि जब भी आप कोई न्यू मोबाइल बाय करते हो तो ऑटोमेटिकली सेलर ही आपको रिकमेंड करता है कि आप इसकी इंश्योरेंस करवा लो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें कवर क्या क्या होगा पहले तो वो देख लो. सबसे पहले अगर कोई कवर आपका डैमेज हो गया एक्सीडेंट की वजह से वो इसमें कवर होगा. कोई डैमेज हो गया फायर की वजह से वो इसमें कवर होगा. डैमेज ड्यू टू लिक्विड्स वो इसमें कवर होगा. अब इसमें कवर क्या नहीं होगा पहले तो वो है. अगर कोई अंदर का कोई आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुआ है वो इसमें कवर नहीं होगा. कोई इतनी एक्सपेंसिव एक्सेसरी है वो इसमें कवर नहीं होगी. और डैमेज ड्यू टू वियर एंड टियर वो कवर नहीं होगा. और एनीथिंग जो कि आपका अगर आपने इंश्योरेंस ऑलरेडी वारंटी ले रखी है
जहां जब आपने वो मोबाइल बाय किया था, तो वो इसमें कवर नहीं होगा. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज साइकिल इंश्योरेंस. साइकिल इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू. सो साइकिल इंश्योरेंस जैसे बाइसिकल है, दीज डेज आर वेरी एक्सपेंसिव है, और तो इसलिए इसको रिपेयर करने में या कोई बर्न हो जाता है और तो बहुत ज्यादा आपका काफी नुकसान हो जाता है. तो इसमें क्या क्या कवर होगा वो सबके एक ही कॉमन से फैक्टर्स है. अगर एक्सीडेंट की वजह से हो या फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, तो इसमें कवर होगा. बट अगर कोई आपने अपनी तरफ से अल्कोहल या ड्रग्स चलाकर आप कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो इसमें आपका कवर नहीं होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ज्वेलरी इंश्योरेंस. ज्वेलरी इंश्योरेंस इज लास्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो इसमें कवर करेंगे. इसमें बस आपके दो केसेस हैं जिसमें ये आपका कवर होगा. एक तो एक्सीडेंट की वजह से अगर कुछ लॉस हो गया, या फिर अगर थेफ्ट की वजह से कोई लॉस हो गया, तो वो इसमें कवर होगा. बाकी इसमें कुछ भी आपका कवर नहीं होगा. और हमने ऑलरेडी होम इंश्योरेंस में देखा था कि ज्वेलरी का ओनली अप टू 20% ही आपका इंश्योरेंस पार्ट मिलेगा, अदरवाइज इसमें और कुछ भी नहीं मिलेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस.